मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, इससे मेरे वीडियो का सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं निशात एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं बीट रूट और दाल का वड़ा, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। तो आइए देखते हैं इन्हें कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे हम एक बाउल में आधा कप चना दाल, आधा कप अरहर दाल और दो लाल सूखी मिर्च लेंगे। उसमें पानी डालकर 2 घंटे के लिए भिगोकर छोड़ देंगे। तो 2 घंटा हो गया है, हमने इसे अच्छे से धोकर इसका पानी निकाल लिया है और इसे एक जार में ले करके बगैर पानी का इसे दरदरा पीस लेंगे। तो पेस्ट तैयार है, इस तरह से दरदरा पीसना है ज़्यादा। अब एक बाउल में दाल का पेस्ट लेंगे, उसमें डालेंगे एक मीडियम साइज़ का बीट रूट यानी कि चुकंदर कद्दूकस किया हुआ, 3 बड़ा चम्मच कटी हुई धनिया पत्ती, 2 कटी हरी मिर्च, 8-10 करी पत्ता कटा हुआ, 1 छोटे साइज़ का प्याज, आधी छोटी चम्मच अदरक का पेस्ट, आधी छोटी चम्मच जीरा और नमक अपने टेस्ट के मुताबिक, और इसे अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद डालेंगे चावल का आटा, 2 बड़ा चम्मच चावल का आटा डालकर मिला लेंगे और फिर आधी छोटी चम्मच गरम मसाला डाल देंगे, इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद मीडियम साइज का बड़ा बना लेंगे, आप अपने हिसाब से साइज बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तो बड़ा बनकर सब रेडी है, अब इसे तलने के प्रोसेस में चलते हैं। तो हमने यहाँ पे एक पैन में तेल गर्म कर लिया है, मीडियम फ्लेम रखेंगे और सारे बड़े को इसमें डालते जाएंगे। यहाँ पे इन सारे बड़ा को पलट लेंगे। तो यहाँ पे बड़ा जो है ब्राउन हो गया है, अब इसे हम निकाल लेते हैं। इसे तलने में हमें 12 से 13 मिनट तक लगा है, बहुत ही आराम से इसे तलना है, नहीं तो अंदर कच्चा रह जाएगा। तो ये लीजिए, हमारा टेस्टी और क्रिस्पी बड़ा बनकर रेडी है। आप इसे हरी चटनी या अपने पसंद की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आज की ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल बटन ज़रूर दबाइएगा, जिससे मेरी वीडियो का सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।